जमींदारों के जानी दुश्मन समझे जाने वाले केवी सहाय आखिर कैसे जमींदारों के निशाने पर आ गए। पांच पांच सीटों से चुनाव लड़ने वाले केवी सहाय चार सीटों से क्यों हार जाते हैं, वो भी इतनी बुरी तरह जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कहा जाता है कि केवी सहाय का पोता खुद उनके विरोध में नारा लगाया करता था। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व स्वतंत्रता सेनानी केवी सहाय का जन्मदिवस है, तो इस अवसर पर हम उनकी कहानी को आप सबसे सुनाएंगे, बताएंगे कि कैसे केवी सहाय ने इंदिरा गांधी का विश्वास जीता था। यह कहानी उस नेता की है जिसके लिए खुद जेपी नारायण ने कांग्रेस में जगह मांगी थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। केवी सहाय 1962 के बिहार विधानसभा चुनाव में पांच पांच सीटों से चुनावी मैदान में थे। एक सीट था गांवा, यहां से केवी सहाय छठे स्थान पर थे, उन्हें मात्र 320 वोट मिला था। दूसरा सीट था जमुआ, यहां से केवी सहाय नौवे और आखिरी स्थान पर थे तथा उन्हें मात्र 209 वोट मिला था। एक सीट था गिरिडीह, जहां उन्हें 10वां और अंतिम स्थान मिला था तथा 189 वोट मिला था। अगला सीट था बेरमो का, जहां से उन्हें सिर्फ 801 वोट मिला था। वे पांचवें स्थान पर थे जो अंतिम स्थान भी था। पांचवा और अंतिम सीट था पटना पश्चिम का, जहां से वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जीतकर विधानसभा में भी पहुंचे। अगले साल यानी कि 1963 में केवी सहाय मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन इसके बारे में उस समय कौन सोच सकता था। अब सबसे पहले इन चार सीटों से हार का कारण समझ लीजिए। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि केवी सहाय को जमींदार जानी दुश्मन समझते थे और यहां पर हारने का कारण भी यही था। दरअसल जिन चार सीटों से केवी सहाय को हार मिली थी, वह सारी की सारी सीटें रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह की प्रभाव वाली सीटें मानी जाती थी। केवी सहाय मूल रूप से छोटा नागपुर वाले इलाके के ही रहने वाले थे, लेकिन विडंबना देखिए, इन चार सीटों में से किसी पर भी उन्हें 1000 वोट भी नहीं मिल सका था। अब केवी सहाय और जमींदारों के बीच की अदावत की असली वजह को भी समझ लीजिए। केवी सहाय के पिता अंग्रेजी सरकार में दरोगा हुआ करते थे और उनका बेटा कांग्रेस के आंदोलन में हिस्सा लेकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था। उसी समय आंदोलनों में हिस्सा लेते लेते उनकी मुलाकात उस समय के कद्दावर कांग्रेसी नेता श्री कृष्ण सिंह से हुई। 1937 का वह साल था जब श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में कांग्रेस की पहली सरकार बनाई और केवी सहाय को उनका सचिव बनाया गया। आगे सरकार में श्री कृष्ण सिंह ने केवी सहाय को रेवेन्यू मंत्रालय सौंपा। अब केवी सहाय ने इस पद पर रहते हुए जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की तैयारी कर ली। केवी सहाय ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और श्री कृष्ण सिंह की कैबिनेट ने उसे मंजूरी भी दे दिया। इस प्रकार बिहार जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आगे चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस एक फैसले ने केवी सहाय को जमींदारी के सामने किसी विलन की तरह खड़ा कर दिया। उस समय सारे जमींदार एक साथ मिलकर केवी सहाय के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे थे और इन जमींदारों का नेतृत्व रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह कर रहे थे। जमींदारों के इसी विद्रोह के कारण 1952 में गिरिडीह से चुनाव जीतने वाले केवी सहाय 1957 में चुनाव हार गए। उस चुनाव में उन्हें खुद रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने पटखनी दी थी। पांच साल तक केवल संगठन की कार्यों में उलझे रहने के बाद 1962 का बिहार विधानसभा चुनाव आया और इस चुनाव में पांच सीटों से चुनाव लड़ने वाले केवी सहाय एकमात्र सीट जीतकर विधानसभा में पहुंचे। अच्छा, इसके पहले का एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है जो जेपी नारायण और श्री कृष्ण बाबू के बीच हुए पत्रचारों पर आधारित है। श्री कृष्ण बाबू को जेपी नारायण ने एक पत्र लिखा था और फिर इस पत्र पर श्री बाबू ने पलटवार किया था। श्री कृष्ण बाबू ने जेपी नारायण पर तंज कसते हुए कहा कि क्या आप अपने सजातीय केवी सहाय को मेरा उत्तराधिकारी घोषित करवाना चाहते हैं, लेकिन इस बात से तब हर कोई अनजान था कि उस समय का यह तंज 1963 में सच होने वाला है। 1963 में केवी सहाय ने बिहार के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर 2 अक्टूबर को गद्दी संभाला था और फिर 1967 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस बीच केंद्र की राजनीति में उठा पटक जारी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 की रात को रूस के ताशकंद में इस संसार से विदा ले चुके थे। गुरजाली लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया और फिर नए प्रधानमंत्री को चुनने का काम शुरू हुआ। कांग्रेस संसदीय दल के नेता का चुनाव होना था, क्योंकि जो कांग्रेस संसदीय दल का नेता होता वही भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाता। इसमें बहुत सारे नाम थे, जैसे मुरारजी देसाई एक तरफ अपना दावा पेश कर रहे थे तो दूसरी तरफ तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज अलग गुट तैयार कर रहे थे।
इसके अलावा वाईबी चौहान अलग तैयारी कर रहे थे। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे डीपी मिश्र। उनकी पहल पर कांग्रेस के 9 मुख्यमंत्री इकट्ठा हुए और तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का इच्छा व्यक्त किया गया। केवी सहाय ने अपना दिमाग लगाया और कहा कि अभी इस खबर को सार्वजनिक ना किया जाए और सिर्फ इसके आधार पर संसद में हवा बनाया जाए। उनका मानना था कि इस प्रकार सांसदों का पाला एक तरफ हो जाएगा और इसे पार्टी के बड़े नेताओं का भी दबाव कम रहेगा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे केवी सहाय ने सभी गुटों से चर्चा करने का अनुरोध किया और सर्वसहमति के आधार पर इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही। हुआ भी ऐसा ही। अब इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले कुल 14 मुख्यमंत्री एक साथ आ गए। इंदिरा गांधी भारत की नई प्रधानमंत्री बनी। उस समय बिहार में केवी सहाय के खिलाफ लगातार पार्टी के अंदर कुछ नेता विरोध कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री बनने के बाद इन सारे विरोधों को इंदिरा गांधी ने दरकिनार कर दिया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के आशीर्वाद पर केवी सहाय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। इसके बाद आया 1967, जब 5 जनवरी को एक हिंसक गोलीकांड हुआ जिसमें कई छात्र मारे गए और फिर सरकार के खिलाफ पूरे बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज पटना पहुंचे और उन्होंने केवी सहाय से छात्र हिंसा की जांच करवाने को कहा। केवी सहाय ने अपना इस्तीफा उनके सामने रख दिया और कहा कि यह सब विपक्ष की साजिश है। के कामराज ने केवी सहाय के इस्तीफे को वहां मौजूद डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन बिहार में कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। कुछ महीनों बाद चुनाव हुआ तो कांग्रेस बिहार की सत्ता से बाहर हो गई। केवी सहाय उस चुनाव में खुद अपनी विधायकी भी हार गए, वह भी 2-2 सीटों से। 1967 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था कि गली गली में शोर है, केवी सहाय चोर है। कहा जाता है कि एक दिन जब केवी सहाय अपने आवास पर पहुंचे तो उनका पोता खुद इस नारे को लगा रहा था। पोता इतना छोटा था कि उसे इसका मतलब तक नहीं पता था, लेकिन वह यह नारा लगातार दोहरा रहा था। खैर, यह किसी भी नारे की सफलता होती है कि वह हर एक जुबान पर चढ़ जाए। तो यह कहानी थी बिहार के 4th मुख्यमंत्री केवी सहाय की। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं सौम्या राठी और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।